नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो दूसरा T20 मैच खेला जाने वाला है वो कहाँ खेला जाएगा और वहाँ का मौसम कैसा रहेगा उसकी जानकारी बताऊंगा और किसकी मददगार पिच रहेगी। दोस्तों उसकी जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडियन टीम ये सीरीज जीते और दूसरा T20 मैच जीते तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेली जा रही तीन मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मैच बुधवार को मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 18 सितंबर के होने वाले इस मैच में दोनों ही टीमें जीतने के लिए उतरेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में मोहाली में दूसरा T20 मैच बुधवार को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीमें धर्मशाला में खेले जाने वाले पहले T20 मैच के धुलने के बाद जीतने के इरादे से दूसरे T20 मैच में उतरेगी, जहां एक तरफ भारतीय टीम विराट कोहली की कप्तानी में अपनी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है तो वहीं दक्षिण अफ्रीका अनुभवहीन और युवा टीम के साथ उतरेगी। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मोहाली की IS बिंद्रा स्टेडियम के पिच की बात करें तो बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहने वाली है पिच। मोहाली के मैदान में हमेशा से ही बल्लेबाजों का राज रहा है, जहां रनों की भरमार देखने को मिल सकती है। इस पिच पर बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन गेंदबाज अपना दम दिखा सकते हैं। तेज गेंदबाजों के लिए पिच में कुछ खास नहीं है, लेकिन फिरकी गेंदबाज शुरुआती ओवरों के बाद अपना रूप दिखा सकते हैं। ऐसे में मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट Hindi 1 और स्टार स्पोर्ट Hindi 1 HD पर हिंदी कमेंट्री तो वही स्टार स्पोर्ट 2 और स्टार स्पोर्ट 2 HD अंग्रेजी कमेंट्री में होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया हॉटस्टार पर भी मैच का मजा लिया जा सकता है और दोस्तों रेडियो पे भी वो मैच लाइव कमेंट्री आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो धर्मशाला में खेले गए पहले T20 मैच के बारिश के भेंट चढ़ने के बाद मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे T20 मैच में मौसम पर हर किसी की नज़र बनी रहेगी। वहां भी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। मोहाली में बुधवार को अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है तो वहीं यहाँ दिन भर सूरज और बादलों के बीच में आँख मिचौली का खेल चल सकता है। 13 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।